हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम जानेंगे कि आखिर खरमास है क्या, इससे कौन सी कथा जुड़ी है। खर यानी गधा, मास यानी महीना, खरमास के महीने की कथा भी गधे से ही जुड़ी है। एक कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को कहीं भी रुकना नहीं था, क्योंकि वे यदि रुक जाते तो जनजीवन ठप हो जाता। लगातार चलते रहने के कारण घोड़ों को प्यास लग गई, वे थक कर रुक गए। घोड़ों की ऐसी दशा देख सूर्यदेव चिंतित हो गए। वे एक तालाब के किनारे रुक गए और घोड़ों को पानी पिलाया। उसी तालाब के पास सूर्यदेव को 2 गधे खड़े नजर आए। उन्होंने घोड़ों की जगह गधों को रथ से जोड़ दिया और घोड़ों को वही विश्राम के लिए छोड़ दिया। गधों की वजह से रथ की गति काफी धीमी हो गई। हालांकि जैसे तैसे करके 1 महीने का समय पूरा हुआ, जिसके बाद सूर्यदेव ने विश्राम कर रहे घोड़ों को फिर से रथ में लगा दिया। वर्ष भर में 2 बार ऐसी स्थिति आती है, यानी वर्ष भर में 2 खरमास होते हैं। एक जब सूर्य 14-15 मार्च के आसपास मीन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य 14-15 दिसंबर के आसपास धनु राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास के दौरान विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निषेध रहता है। हालांकि मीन राशि वाले खरमास के दौरान विवाह को छोड़कर कई दूसरे मांगलिक कार्य यानी यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह होते हैं। खरमास का बड़ा धार्मिक महत्व है। खरमास में सूर्यदेव की पूजा आराधना विशेष फलदायी होती है। पूजा के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुभ फलदायक है। इसके अलावा खरमास में दान करने का विशेष पुण्य फल मिलता है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।